गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और स्वादिखाप। मैं आपका ट्रैवलिंग साधु इस समय अस्पताल के इस बेड पे पड़ा हुआ हूं। हॉस्पिटल का नाम है बैंकॉक पटाया हॉस्पिटल और मेरे घर से मुश्किल से 500 मीटर दूर है। वन ऑफ द लेवीएस्ट एंड द मोस्ट लग्जेरियस वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल ऑफ पटाया। आज मुझे यहाँ पे 10वां दिन हो गया है। दिस इज द 10th डे ऑफ माइन बाय लाइंग ओन दिस बेड। इस समय सुबह के 7 बजने वाले हैं और बाहर सूरज देवता अपनी पूरी चमक के साथ निकल के आसमान को चमकीला बना रहे हैं। यहाँ मेरे बेड पे धूप बहुत बढ़िया आ रही है। मैंने पढ़ा है कि मुझे इस पर्टिकुलर डिजीज के टाइम पे आई नीड द विटामिन सी, द नेचुरल वन विच कैन आई गेट फ्रॉम द सनलाइट इन द मॉर्निंग। तो सुबह की धूप में मुझे वो विटामिन मिल सकते हैं। तो मैं रोज सुबह इस कर्टन को खोल देता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कब धूप आएगी और मैं यहाँ अपने चेहरे पे और अपनी बॉडी पे इस धूप को ले पाऊंगा। बाहर सूरज देवता आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, दिस इज द गॉड ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया आज मेरा 10वां दिन है। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड। घबराने की बात नहीं है। कोविड में मैं बहुत माइल्ड कोविड से अफेक्टेड हूँ, विच इज द CTR रेटिंग इज 34.9, विच इज कॉल्ड द माइल्डेस्ट वन। मैंने मेरी कॉफी बना ली, इसमें पानी डाल दिया, पाउडर मैं पहले डाल चुका था। सो लेट्स गो टू द चेयर, आई विल सिट ऑन द लैपटॉप। आज की लेटेस्ट न्यूज पढ़ता हूँ, इंडिया में कोविड का सिचुएशन देखूंगा विच इज नॉट वेरी गुड, और इसी के साथ कॉफी और न्यूज और करंट अफेयर्स, इन सबके बीच में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो लोग भी कहीं भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, अपना ध्यान रखिए, स्टे वेरी अलर्ट, मास्क और सैनिटाइजर का यूज कीजिए, बिकॉज एक बार इसके चंगुल में आ जाने के बाद आप सिवाय पैसे खर्च करने के और परेशान होने के कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में इस समय ऑक्सीजन की कमी है, बहुत बहुत मारामार चल रही है। यहाँ पे थाईलैंड में ऐसा नहीं है, बट थाईलैंड में आपको हॉस्पिटल्स में कमरे नहीं मिल रहे हैं। तो सिचुएशंस थोड़ी बहुत एज पर द पॉपुलेशन हर जगह पे ख़राब है। इंडिया में 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, थाईलैंड में 7 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। यहाँ पे 7 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहा, तो 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में जहाँ पे अभी डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं है, वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी ही है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखिए और अपने आप को बचा के रखिए। अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलिए, क्योंकि इस समय कोरोना का वायरस, कोविड वायरस इज एयर ट्रैवल, ये एयरबॉर्न है, ये सरफेस जंप पे नहीं काम कर रहा। तो अपने आप ध्यान रखें, मफलर, स्कार्फ, गमछा, मास्क लपेटें, सैनिटाइजर का यूज़ करें ताकि आप उससे बच रहे हैं, आप और आपका परिवार इससे बचा रहे। इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर ये वीडियो पसंद आता है तो। सो स्टे कनेक्टेड, आई विल बी बैक आफ्टर दिस माय कॉफी। आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा इस कोविड से रिलेटेड जो थाईलैंड में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ये मेरा रूम है, मेरा रूम नंबर इज 5216। आइए अब चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम। ये मेरे रूम का एंट्रेंस है, ये मेरी पानी की बॉटल्स, ये कुछ बची हुई हैं, ये मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मेरा पानी का इंटेक करीब 5 से लेकर 6 लीटर पर डे होता है।
ये मैं, दिस इज द रेफ्रिजरेटर, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट, यहाँ पे इन्होंने सप्लाई दे दिया, ये दो टिश्यू के डब्बे, ये फ्रिज जो पहले मेरा डिनर मेरे एक दोस्त के रेस्टोरेंट से आता है उसके साथ आया, वो सलाद, ये दूध के कंटेनर्स, और ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काउच है, यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मेरे फ्रूट्स, कीवी, ऑरेंज, एप्पल और ये अंगूर। इस काउच पे जो अटेंडेंट है वो सो सकता है, बट चूंकि मैं कोविड का पेशेंट हूँ सो नोबडी कैन ज्वाइन मी ओवर हियर, एंड दिस इज माय बेड, बहुत कंफर्टेबल है, और टेलीविजन, ये मेरा अपना टेलीविजन, मेरी लाइफ इसके साथ बीतती है, द वाईफाई इज हियर, माय लैपटॉप, पूरे दिन मैं इस पे लगा रहता हूँ, सारे करंट अपडेट्स, बाकी सारी मूवीज देखना, और ये सारे जूसेस जो हॉस्पिटल की तरफ से मिले, एंड दिस इज द व्यू, और ये जो व्यू देख रहे हैं आप, मेरे राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग है, दिस इज बैंकॉक पटाया हॉस्पिटल्स मेन बिल्डिंग, 1990 में शुरू हुआ था, 1990 में विद 100 बेड्स ओनली, बट नाउ इट्स अ 300 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ऑल अल्ट्रा डायग्नोसिस सिस्टम एंड द मेडिकल फैसिलिटीज, इतना अल्ट्रा है कि इसकी छत पे एक हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है, सो दिस इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन पटाया। सो आई वॉज टेलिंग यू कि मेरा जो कोविड का रेटिंग है, जिस टेस्ट में जो रिजल्ट आया उसमें सी टी आर रेटिंग इज 34.9, 34.9 का मतलब है मैं सिर्फ 0.1 मार्क से कोविड से इन्फेक्टेड हूँ, कोविड वॉज रिजाइडिंग इन माई इस यहाँ मेरे गले से लेकर यहाँ नाक के बीच में कहीं पर वो ट्रैवल कर रहा था। इसका फर्क आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे कई क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को इंडिया में कोविड हुआ, उनका जो रेटिंग था, किसी का 10 था, किसी का 11 था, किसी का 15 था, किसी का 17 था, और मेरा 34.9, तो आप समझ सकते हैं आई गॉट इन्फेक्टेड विद वेरी माइल्ड वायरस अटैक। मेरा यहाँ आने के बाद में 4 या 5 बार एक्सरे मेरे चेस्ट का हो चुका है, चेस्ट इज क्लियर, और मेरे गले में दर्द नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, शुरू में 1-2 दिन मुझे हल्का सा फीवर हुआ था, बट फॉर्चुनेटली ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थाईलैंड में जो WHO और उनकी अपनी मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो उनका सिस्टम है कि अगर आप इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो यू हैव टू स्टे अलोन इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल और द होटल विच इज़ कन्वर्टेड टू द हॉस्पिटल फॉर 15 डेज, वो आप अपने खर्चे पे रहेंगे अगर आप नॉन थाई हैं तो। अब जैसे मैं नॉन थाई हूँ तो मैंने इंश्योरेंस ले रखा था, एक बहुत बड़ी कंपनी है उससे इंश्योरेंस ले रखा था, मेरा इंश्योरेंस कवर जो है नॉर्मल कंडीशन में 1,00,000 baht, 100,000 थाई बात, यानी इंडियन करेंसी में 2,50,000 rupees, और अगर मैं कोमा में चला जाता हूँ, ICU में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मुझे कवरेज 1,000,000 यानी कि 25,00,000 INR का मिलेगा, उसमें जो भी ट्रीटमेंट होना हो वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। मुझे बताया गया कि मेरे इस पैकेज की कॉस्ट आएगी समथिंग 150,000 थाई बात, तो मुझे अपने पास से करीब 50,000 थाई बात पे करने पड़ेंगे, विच इज पार्ट ऑफ द गेम, अगर आप बीमार होते तो आपको पे करना पड़ेगा। सुबह का टाइम है, मैंने अभी तक कॉफ़ी नहीं पी है, तो अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ये कॉफ़ी के पाउच, यहाँ रूम में अनलिमिटेड कॉफ़ी के पाउच और ये जूसेस, बहुत सारे जूसेस, मींस प्लेंटी ऑफ, मैं दिन में एक आधी पी पाता हूँ, पर बाकी जो लंच के साथ और ब्रेकफास्ट के साथ और डिनर के साथ जो आते हैं वो बैकअप में जाते रहते हैं, उन्हें मैं बाद में पी सकता हूँ।
मैं आपको इस हॉस्पिटल के बारे में बता दूं, ये हॉस्पिटल करीब 25 साल पुराना बना हुआ है। दिस इज अ चेन ऑफ द हॉस्पिटल इन थाईलैंड। इस बैंकॉक हॉस्पिटल के करीब बैंकॉक में पटाया में ये अकेला है, और सारे बड़े शहरों में इसके एक या दो ब्रांचेज होते हैं। कहीं भी चले जाइए, चांग माई चले जाइए, फुकेट चले जाइए, क्राबी चले जाइए, बैंकॉक में तो करीब 7-8 हैं। यहाँ चोनबुरी जो यहाँ का प्रोविजनल हेडक्वार्टर है, उसमें भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बैंकॉक हॉस्पिटल है, वेरी वेल इक्विप्ड। ये बगल में जो बिल्डिंग है, इसके टॉप फ्लोर पे हेलीपैड है, इफ़ सम मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल नीडेड, हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करता है, एयरलिफ्ट करता है, एयर ड्रॉप करता है पेशेंट को। मीन्स हाईली इक्विप्ड एंड वेल मेडिकल फैसिलिटीज होल्ड इट लोडेड। ब्लड प्रेशर की मशीन है, मैं अभी आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हाउ इट विल बी। मैं पहले से हाथ में पहन लूँ। अब ये मेरा ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है, 165। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर आएगा करीब 80-120 के आसपास एग्जैक्ट। ओ 94-129, और मेरा हार्ट रेट इज 93। अब मैं ऑक्सीमीटर से मेरे बॉडी का ऑक्सीजन प्लस हार्ट रेट दोनों चेक कर रहा हूं। माय ऑक्सीजन इज 98-97 एंड माय हार्ट रेट इज 86। ये जो आपको आवाज सुनाई दे रही है, इसके बारे में अभी बताऊंगा कि व्हाट दिस साउंड इज। और ये टेम्परेचर, इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। दिस इज स्टैंडर्ड, 36.5 शुड बी माई टेम्परेचर। ये मैं और ये मैंने टेम्परेचर ले लिया, और मेरा टेम्परेचर इज 36.5, बिल्कुल करेक्ट टेम्परेचर है। तो मेरे तीनों मेजर हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आवाज़ आ रही थी क्या थी। ये जो डिवाइस देख रहे हैं आप फोन की तरह, दिस इज अ ब्लूटूथ डिवाइस। ये तीनों, इस डिवाइस के साथ ये ब्लड प्रेशर मशीन, ये थर्मामीटर और ये ऑक्सीमीटर, ये तीनों कनेक्टेड हैं। अगर मैंने इस डिवाइस को ऑन कर रखा है और मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले रहा हूँ, अपना ब्लड प्रेशर ले रहा हूँ, और ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन चेक कर रहा हूं, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली यहां से जो डेस्क है करीब 50-60 मीटर दूर बाहर दूसरे कमरे में, वहां पे ये डेटा जाकर फीड हो जाएगा एंड दे विल गेट द इंफॉर्मेशन कि हाँ मैंने ये अपना बॉडी टेम्परेचर, अपना ब्लड प्रेशर और अपना ऑक्सीजन हार्ट रेट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। सो दे डोंट नीड टू कम ओवर हियर। नर्सेस को यहाँ पे हर बार आने की जरूरत नहीं है और ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि वो इस पेशेंट के, कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए और उनको रिस्क हो। हालांकि वो लोग दिन में 3 या 4 बार यहाँ पे आते हैं, बट चूंकि मैं बहुत ही सेफ टाइप का पेशेंट हूँ, मेरा कोई बहुत ज़्यादा क्रूशल प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उनको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाय, मेरा ये चेहरा देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग नहीं जानते। ये दरअसल मुझ गरीब आदमी के पास आफ्टर शेव ना होने का इम्पैक्ट। जी हाँ, आई जस्ट फिनिश माई शेव, मेरे पास आफ्टर शेव नहीं है, खत्म हो गया, घर पे रह गया और मैं यहाँ ला नहीं पाया। तो इसका तरीका मैंने निकाला है, मैं टूथपेस्ट यूज करता हूँ सेंसोडाइन। और दुनिया में अगर आपके पास किसी भी कोने में हो, अगर आपके पास आफ्टर शेव नहीं है, टूथपेस्ट है, तो शेव करने के बाद आप उस टूथपेस्ट को पानी में हल्का सा गीला करके
आफ्टर शेव की जगह यूज कर सकते हैं, दैट विल वर्क एज एंटीसेप्टिक एंड द हीलर आफ्टर द शेव। तो मैंने वही पेप्सोडेंट इस समय मेरे चेहरे पे लगा रखा, सॉरी पेप्सोडेंट कह रहा हूँ, सेंसोडाइन मैंने मेरे चेहरे पे लगा रखा है और ये बहुत बढ़िया तरीके से आफ्टर शेव का काम कर रहा है। इट्स अ वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप इफ यू मिस योर आफ्टर शेव इन योर शेविंग किट व्हाइल यू ट्रैवल, टूथपेस्ट से आपका काम चल जाएगा। चाओ। सो टुडेज स्नान एंड ध्यान हैज बीन डन, नहा चुके, अब भूख लगी है बहुत तेज और ये मेरा ब्रेकफास्ट। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट टाइम। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज मुझे ब्रेकफास्ट में मिला क्या है। लेट्स चेक इट आउट। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है, ये माली का स्ट्रॉबेरी जूस, ऑलरेडी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, मैं कम पीता हूँ। दिस इज पपाया और ये फ्रेंच टोस्ट विद ब्रेड पीसेस एंड फ्यू वेजिटेबल, ये आज अपन का ब्रेकफास्ट है। और एक बार चेक करते हैं किस तरह का। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द मिल्क टाइम, द मेजी, द डेनिश ब्रांड। इस दूध को मैं करीब पिछले 10 सालों से पी रहा हूँ। पी यो ग्लास फुल दूध 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 दूध, क्या करूँ, बोर हो गया, इसलिए ऐसे पुराने पुराने गाने गाने पड़ रहे हैं। अब मुझे समझ में आता है कि जो लोग जेल में 5-7-10 साल के लिए बंद होते होंगे उनका मेंटल स्टेटस क्या होता होगा, हाउ दे वुड बी थिंकिंग, हाउ दे वुड बी एक्ट। अपन ऐसे ठीक है। गुड इवनिंग, शी इज विद मी। पीछे अपना नाम बताने से मना कर रही है, बट शी इज कमिंग एवरी डे, वेरी गुड। मेरा ब्लड प्रेशर ओके, मैं हाई डू ना ना, मैं पिन लाई ओके खाब। ये मुझे मना कर रही है कि भाई मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, नाम नहीं बता सकती और दीज आर नॉट ऑफिशियल। आई सेड नो, आई एम नॉट डूइंग लाइक दैट। शी इज ऑलरेडी हिडन हर फेस एंड मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा ओके खाब। Something for to have. My temperature is okay. Come on, down thar hai sao? Loi ha sip song ka sip ha. Loi ha sip song. Chai ha sip song. Loi 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 ha sip song. मेरा temperature थोड़ा मेरा blood pressure थोड़ा बढ़ा हुआ है, 152 and 92, पता नहीं, एक बार फिर चेक करते हैं। मेरा ये सेशन कंप्लीट हो गया, सर एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरा ये सेशन कंप्लीट हो गया और शी इज लीविंग। अपुनमान है, बाय बाय हाफ। सो दिस इज द मेडिसिन टाइम। सुबह नाश्ते में एक, दोपहर खाने के बाद एक और रात के समय दो, एक विटामिन सी 500 ग्राम्स और एक जिंक 500 ग्राम। इस समय ये मेडिसिन विटामिन सी 500 ग्राम्स की एक टेबलेट कैप्सूल नाश्ते के बाद। मुझे सिर्फ विटामिन और जिंक पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे चेस्ट में, मेरे लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है कोविड का। मुझे पिछले करीब 4 या 5 दिनों से कोई फीवर नहीं है, कोई कफ नहीं है, कोई रनिंग नोज, मेरी नाक नहीं चल रही है, ना मुझे ड्राउजीनेस है, ना सिर में दर्द है, ना बदन दर्द है। तो मैं सिर्फ प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूट या जो अल्टरनेट
प्रोटीन्स और विटामिन है उन पे मुझे रखा गया है। नहीं तो जिन लोगों को कोविड है और दोज़ हू आर सिक ऑन द हायर साइड, उनको बहुत सारी मेडिसिन जैसे चेस्ट को क्लियर करने के लिए, कफ को क्लियर करने के लिए, और जो जो वायरस यहाँ पे रिप्लिकेट होता है लंग्स में, उसको ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है। पर मुझे ऐसी कोई दवाई नहीं दी जा रही, बिकॉज मेरा परसों ही एक्सरे हुआ था एंड माई चेस्ट वॉज क्लियर, मेरे लंग्स दोनों क्लियर थे, तो इस वजह से मुझे कोई एक्स्ट्रा दवाई की ज़रूरत नहीं है।